नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो मूवी रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज जानने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, आज मैं आपके सामने सोनू सूद का एक नया गाना आने वाला है, साथ क्या निभाओगे, उसका टीजर रिलीज हुआ है। कल मैंने ABP न्यूज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्ट देखी थी कि उनका आज रिलीज होने वाला एक टीजर सोनू सूद के गाने का। तो मैंने सोचा सोनू सूद अगर जहाँ खड़े हो गए, तो मान लीजिए उनका गाना हो, उनकी मूवी हो, अब हिट जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना एक इमेज ना कि सिर्फ बॉलीवुड, ना कि सिर्फ टॉलीवुड, पूरे ही इंडिया के सामने बहुत ही अच्छी इमेज उन्होंने बनाई। तो मुझे इतना पता था कि इनका जो भी गाना आएगा, लोग उनके गाने को ज़रूर देखेंगे। तो मैंने सोचा देखेंगे आज कैसा है टीजर। तो टीजर में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, टोनी कक्कड़ उनका गाना गा रहे हैं। तो मुझे लगा, पहले तो मैंने जब सिंगर का नाम पढ़ा तो मेरे तो पैरों तले जमीन हिल गई कि यार टोनी कक्कड़ अगर गा रहे हैं तो गाना बहुत ही बहुत बहुत घटिया हुआ। लेकिन देखिए, पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये लड़का बहुत अच्छा गाना गा रहा है। वरना 96971, उसके आगे डम डिगर डम डम डम, यही गाने का इनका लिरिक्स होता था। या एक ही टाइप के गाने को, एक ही टाइप के वर्ड को ये 10 बार बोल दिया करते थे। इनका गाना मेनली ऐसा रहता था, ऐसे फॉर्मेट में रहता था। लेकिन अगर ये गाना, इसकी लिरिक्स अगर आप सुनेंगे, ये सोनू सूद के इस गाने की, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, टोनी कक्कड़ को अगर 2-4 डंडे सिर पर मारे जाए तो वो ऐसा गाना गा सकते हैं। और ऊपर से बात यह है, इस गाने के साथ इतनी इज्जत क्यों उन्होंने दी, मैं भी बताता हूँ। क्योंकि इसमें सोनू सूद है, अगर सोनू सूद है और गाने का पेस भी आपको बना के रखना है उनकी पर्सनैलिटी के साथ, निधि अग्रवाल के उस रोमांस के साथ। क्योंकि यहाँ पे क्या है सीन में, यहाँ पे सोनू सूद है वर्सेस यहाँ पे निधि अग्रवाल, दोनों में देखिए दोनों बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो देखिए, उन दोनों के स्पेस बना के रखने के लिए टोनी कक्कड़ ने यार थोड़ा ठीक गाना गाया है। अब पहली बार लग रहा है कि टोनी कक्कड़ एक टैलेंटेड सिंगर है, वरना इसको बहुत ही घटिया गाने गाता था, ये मैंने भी देखा है। लेकिन अब देख कर लग रहा है कि हाँ, गाना ये गा लेगा अगर इसमें थोड़ा दिमाग आए तो। बात करें अगर सोनू सूद की और निधि अग्रवाल की, दो तो दोनों का एक काफ़ी फ्रेश कॉम्बिनेशन यहाँ पे फराह खान ने दिखाया। फराह खान इस गाने की डायरेक्टर है, ये बताना चाहता हूँ मैं। उन्होंने पूरा सिनेमेटोग्राफ यहाँ पे कोरियोग्राफ किया है गाने को। तो पहली बार उन्होंने एक अच्छा पेयर बनाया है, वरना मुझे नहीं लगता कि वो किस तरीके की डायरेक्टर है, मुझे नहीं पता उनका। लेकिन यहाँ ये इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस को लेने का, चलो अच्छा है आपने लिया। 9 अगस्त को ये गाना रिलीज होने वाला है, देखना ये है कि गाना कैसा होता है। टोनी कक्कड़ ने अब तक जो मैं टीजर में लिरिक्स सुन रहा हूँ अच्छे लग रहे हैं। देखना ये है कि जब हम पूरा गाना सुनेंगे 9 अगस्त को, तब गाना कैसा लगता है, तब का तब देखेंगे। टीजर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, और आप सोनू सूद के कितने बड़े फैन हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, निधि अग्रवाल के कितने बड़े फैन हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे रिव्यूज आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना और मेरी वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलना।